नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश देंगे तो वह पालन करेंगे। बिहार में एक आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह खुली छूट नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है कि हर जगह पर ये लोग गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे प्रवक्ता संतोष जी, मीडिया प्रभारी राजू जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह दो सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। 1977 में बिहार में पहली बार उस समय जनसंघ था और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था और कैलाशपति मिश्रा समेत हमारे सभी प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर जी के उस मंत्रिमंडल में शामिल थे और उस मंत्रिमंडल ने पहली बार आरक्षण का अधिकार पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी दिया था और पहली बार गरीब सवर्णों को भी 3% का अधिकार जो है आरक्षण का, वह कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ और आज के वर्तमान के भाजपा के नेता जब थे तभी यह हुआ था। केंद्र में भी जब 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी उस कैबिनेट के सदस्य थे तब वहां मंडल कमीशन लागू हुआ था। 1989 में भी जब मंडल कमीशन बना था और 89 में लागू हुआ था, जब 89 में लागू हुआ था उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी मुद्दे छोड़ नहीं सकते थे और उसको लेकर के ही हमारा राम मंदिर आंदोलन को लेकर के विवाद हुआ था। उसके पश्चात भी 2005 तक लालू जी की 90 में सरकार बनी, कभी इन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था पिछड़ों अति पिछड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलनी चाहिए। फिर जब हमारी सरकार बनी 2005 के बाद तब आयोग के माध्यम से हमने पिछड़ों अति पिछड़ों को दलितों को पंचायत चुनाव में देने का कार्य किया और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण मिला। यह 2020 में सरकार बनी उस समय भी माननीय सम्राट चौधरी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के केवल यह कहना कि अनुरोध नहीं, सम्राट चौधरी जी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार जी ने पंचायत के कार्यकाल को तदर्थ समिति बनाकर के बढ़ाया और पंचायतों के चुनाव हुए थे। जब नगर निकाय के चुनाव आया तो उनको समझाया गया कि 2021 में इस तरह की घटना घट चुकी है तो हम एक तदर्थ समिति बना। उन्होंने कहा कि नहीं, तब कोई ऐसा नहीं बनेगा। एजी ने भी रिकमेंडेशन किया, आप सब जानते हैं कि एडवोकेट जनरल का रिकमेंडेशन था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होना चाहिए, उस रिकमेंडेशन को भी नकारा। तब तक नीतीश कुमार के मन में पाप आ गया था कि हम तथाकथित स्वप्न देखें इस देश के प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लगातार उनसे यह कह रही थी कि एक तदर्थ समिति बनाया जाए जिससे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं जब तक चुनाव नहीं होता उनके हाथ में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं, पूरी की पूरी कमेटी को सरकारी अफसरों के साथ दे दिया गया। अब जब उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल हो गए हैं तो फिर वह 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर हालत में अनुसूचित जाति को अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपना जो भी करना है करें और चुनाव भी शीघ्र होना चाहिए।
यह कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूछिए। उन्होंने क्या आज तक एक बार भी बता दें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कि भाजपा जब साथ नहीं थी तब किसी ने आरक्षण दिया हो। यह एक पूरी साजिश है और यह साजिश के तहत जानबूझ करके यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिससे कि जिनके कारण वह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको नगर निकाय की पूरे विकास की राशि दिया जा सके। आरक्षण की मांग आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये कुश्ती तो नहीं चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है, आपको अगर वह डायरेक्शन नहीं पसंद था आप सुप्रीम कोर्ट में जाते। आप आज तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना ही आप आयोग बना करके इसका कर रहे हैं। अगर आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो यह साफ बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आरक्षण विरोधी है। जहां भी वो करें उनसे पूछा जाए कि आप कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं गए, यह साफ बताता है कि साजिश है। जा रही है कि नगर निकाय के सभी विकास की राशि मंत्रियों के पास, मंत्री के पास रहे और यह पूरा लूट बिहार में नगर निकाय में नगर पंचायत में हो सके, इसीलिए जानबूझ करके तदर्थ समिति में नहीं बनाया गया। और आज भी हम यह अखबार में दिया गया था कि 8 को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10 को सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया, आज 14 तारीख हो गया, आज तक न यह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और न ही कोई आयोग बना है, जो कि साफ बताता है कि इनके मन में पाप भी कहिए या यह कहिए कि इनकी मजबूरी है कि जो इनको इन्होंने अपना मुखिया बनाया है या मालिक बनाया है उनका आदेश है कि भाई अभी इसको जितना लटकाना है लटकाओ और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे कि तो नगर निकाय की सारी राशि नगर विकास मंत्री के अधीन रहेगी और वह वही सब काम करेंगे जो 90 के दशक में लालू जी करते थे। और एक अच्छे आदेश पालक की तरह, इसलिए मैं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री कहता हूँ, नीतीश कुमार जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराए जाए। इसके उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोलमोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, चुनाव निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है, अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पर उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 17 को हर प्रखंड में धरना देगी। घटनाएं घट रही है या मेरे बगल के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, मैं आज शाम रात को वहां पर जाकर के सभी घायलों से मिलूंगा, लेकिन बिहार में एक आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह खुली छूट नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। जो हालात 1990 में थे आज फिर से वही हालात हैं कि हर जगह पर ये लोग गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ा। जाहिर बात है थोड़ा सा तेजस्वी जी का ज्यादा घूमना फिरना रहता है, जब नेता विरोधी दल भी थे तो वह कभी महीने में 2 दिन आते थे, कोई ट्वीट करने आते थे या एक बयान हवाई अड्डे पे देने आते थे। आज वह स्वास्थ्य महकमा जैसा विभाग संभाले हुए हैं, उनको यहीं रहना चाहिए। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश देंगे तो वह पालन करेंगे।